ईडी और जितने संस्थान उनकी मिसयूज की बात कर रहे हैं, नाम लेंगे तो इनको थोड़ा सा दुख हो जाएगा। मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, शहर में चाहे जितना भी लपेट ले, इनकी सरकार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना यह सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। एग्जीक्यूटिव ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो मिसयूज, ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव इनकम टैक्स सीबीआई ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। स्पष्ट तौर पर पूरे देश में ऐलान कर दिया गया है कि तानाशाह को जो पसंद नहीं आएगा वो जेल जाएगा या उसको दबा कुचल के खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अभिनव और आप देख रहे हैं HNP न्यूज। जिस स्तर से ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है, तमाम पार्टियों के तमाम नेता ईडी और सीबीआई के लपेट में आने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया है। लेकिन अभी बड़ी जो खबर निकल के आ रही है कि वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई है, उनके 30 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई अपना दमखम दिखा रही है, छापेमारी कर रही है? नहीं, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। मोदी की जो ताकत है, नरेंद्र मोदी की, वो सीबीआई और ईडी है। आज आप देखिए पूरे देश में अघोषित आपातकाल है। आज जो भी इनसे प्रश्न उठाएगा, जो भी इनसे प्रश्न पूछेगा, उसको जो है बंद कर दिया जाएगा, उसको दबा के कुचल दिया जाएगा। स्पष्ट तौर पर पूरे देश में ये ऐलान कर दिया गया है कि तानाशाह को जो पसंद नहीं आएगा वो जेल जाएगा या उसको दबा कुचल के ख़त्म कर दिया जाएगा। दो ही रास्ते हैं नरेंद्र मोदी के सत्ता में, नरेंद्र मोदी के तानाशाही वाले देश में रहने का दो ही रास्ता है। पहला रास्ता, या तो इनके सामने घुटने टेक के शामिल हो जाओ भाजपा में, और नहीं तो जेल जाओ। तो जो मजबूत लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो इनकी सीबीआई से नहीं डर रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। और आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन ने इस बात को चरितार्थ किया है, इस तानाशाह के सामने झुकने से इनकार किया, और इसी की वजह से आपने देखा कि किस तरीके से आज हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। तो उसी क्रम में सतपाल मलिक है। सतपाल मलिक जो है वो कौन है भाई? सतपाल मलिक तो ऑपोजिशन के नहीं है, सतपाल मलिक तो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के राज्यपाल हैं, संवैधानिक पदों पर रहने वाले हैं। भाजपा ने ही राज्यपाल बनाया। आज जब वो ही राज्यपाल सवाल पूछ रहा है तो इनको जो है खटक रहा है, छाती पर सांप डोल रहा है। इनकी जब काला कारनामा और चेहरा की पोल खोल रहे हैं सत्यपाल मलिक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्द हो रहा है। इनके कुकर्मों को उजागर करने का काम सत्यपाल मलिक ने किया है, इसलिए सत्यपाल मलिक को जो है वो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और तमाम चीज़ें भेज कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक जो है वो जाट कौम से आते हैं, और जाटों का इतिहास आप जाके देख लीजिए। मुगलों को और अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने का काम इस देश के जाटों ने किया है। तानाशाहों से भी इस देश का जाट लड़ रहा है, आज इस देश का किसान लड़ रहा है। तो इस कौम से आप टकराइए मत, आप टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। जी सर, सवाल तो ये उठता है ना कि जिस सत्यपाल मलिक की जब बात आती है तो उन्होंने पुलवामा का भी जो जिक्र किया था, सवाल किए थे सरकार से कि इस पर जांच होनी चाहिए। किसानों के बीच में भी वो आके बोलते हैं कि किसानों को MSP देनी चाहिए, किसानों को दिल्ली आना चाहिए, किसानों के साथ हम खड़े हैं पैर से पैर मिलाकर। तो ये सर जो सत्यपाल मलिक ने कहा है, बयानबाजी की है, उसके हिसाब से ईडी सीबीआई पहुँची है क्या? सत्यमान, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब भी इस सरकार की गले की फांस अगर कोई नेता बन जाता है, कोई भी व्यक्ति बन जाता है, तो ये सरकार उसका दमन करती है। और स्पष्ट उदाहरण सतपाल मलिक है। आज जिस तरीके से भाई, कौन सा मामला था जो इन्हीं के भाजपा के प्रभारी जो जम्मू के थे, जिसके ऊपर 300 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो बजाय रघुराम उसके जांच करने की, उसकी उस भ्रष्टाचारी की, उल्टा जो है आपने जो है इस सतपाल मलिक की जांच शुरू कर दी। ईडी का जो मिसयूज है, एक श्वेत पत्र उस पर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे झारखंड में आदिवासी बहुल्य राज्य में आदिवासी एक मुख्यमंत्री बने, उसे जबरदस्ती उतारने का प्रयास किया। आज कई राज्यों में ईडी के भय से जिस तरह से इन लोग सरकार दबोचने का काम कर रहे हैं, उस पर एक बढ़िया श्वेत पत्र आना चाहिए। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में झुके नहीं, और आदिवासी का जो
व्यक्तित्व है उन्होंने दिखाया बिना झुके, उन्होंने दिखाया कि इनके सामने नहीं झुकेंगे। और मैं कहना चाहूंगा एग्जीक्यूटिव ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो मिसयूज, ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हमसे हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव इनकम टैक्स सीबीआई ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। 10 साल बनाम ये शुरू से बता रहे हैं, 10 साल बनाम ये देश आजाद हुआ था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की परिस्थिति क्या थी और किस तरह से उस समय उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया, और आज जब ये अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, इनको स्वीकारना पड़ेगा। और दूसरी बात कि विजय जी 2004 से विजय जी व्हाइट पेपर के ऊपर बोलिए। सर बोलता हूँ और भी आगे बढ़ता हूँ। 2014 से पहले जिन जिन बातों को लेकर के ये सरकार में आए, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात हो, बोल रहे हैं, या आपका जाकर के पेट्रोल डीजल और गैस की बात हो, बोल रहे हैं, तो सभी चीजों में ये लोग फेल हुए हैं, इनको ये स्वीकारना पड़ेगा, सभी चीजों में ये फेल हुए हैं। और उसके बावजूद तो देश की व्यवस्था जो बनाई गई थी, रिजर्वेशन क्यों दिया गया सर? रिजर्वेशन इसलिए दिया गया जो हजारों साल से जिन पे जो है अत्याचार हो रही थी, उस समाज को आगे लाया जा सके, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इन्होंने सबसे ज्यादा उनका हक मारने का काम किया है। और जो ईडी की मिसयूज की बात हम कर रहे हैं, ईडी और जितने संस्थान उनकी मिसयूज की बात कर रहे हैं, नाम लेंगे तो इनको थोड़ा सा दुख हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा कि इनके जो मित्र व्यवसायी मित्र, उनको ठेका पट्टा दिलाने के लिए और जो कंपनीज के फेरबदल हैंडओवर टेकओवर करने के लिए उनको उनके ऊपर जो उनके विरोधियों के ऊपर ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स का प्रयोग किया गया, कहां से ये अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, शहद में चाहे जितना भी लपेट ले, इनकी सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना यह सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।